बच्चे छत्तीसगढ़ बोर्ड से अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीजी बोर्ड से अपनी स्टडी कर रहे हैं, तो क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ वाले बच्चों के लिए एक छोटा सा नोटिफिकेशन अभी गवर्नमेंट ने जारी किया है, जो कि आपके ऑफिशियल वेबसाइट cgbsc.nic.in पर अवेलेबल हैं। आप वहां जाकर के इसको देख सकते हैं डाउनलोड करके, ठीक है। उसमें कुछ पॉइंट्स हैं आपके लिए जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं मैं जल्दी जल्दी आपको थोड़े से इन्फॉर्मेशन के तौर पर बताए दे रहा हूँ। ज़्यादा जानकारी के लिए आप उस PDF फाइल को डाउनलोड कर लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के और उसको डिटेल से पढ़ लीजिए। देखिए, हम सबको मालूम है कि COVID-19 की वजह से हमारा ये सेशन बहुत पीछे चला गया है। हमारी स्कूल लगभग 15 जून से खुल जाते थे और अप्रैल तक हमारा सेशन चलता था, लेकिन इस बार आप देख रहे हैं कि सितंबर का महीना आ गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार 30 सितंबर तक किसी भी तरह की शैक्षणिक संस्थानें, चाहे आपकी स्कूल हो या आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, नहीं खुलेंगी 30 सितंबर तक। 30 सितंबर के बाद खोली जाएंगी या नहीं खोली जाएंगी उसका भी कोई ठिकाना नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं आपकी, हो सकता है चीज़ें कुछ नॉर्मल हों तो अक्टूबर के बीच में जाके, मिड ऑफ द अक्टूबर में आपकी स्कूल शायद ओपन हो जाए, शायद, वो भी ना अभी भी ये 60-40 का परसेंट वाला रेशियो चल रहा है, 40% नहीं खुलेगा, 60% उम्मीद है कि खुल सकता है। ओके, ये तो ख्याल की बात हो गई, शायद की बात हो गई। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर। अभी हमारी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, या यूँ कहिए कि हमारे CG बोर्ड वालों ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि हमारा चूंकि 30 सितंबर तक किसी भी तरह का शैक्षणिक संस्थान ओपन नहीं हो सकता, स्कूल नहीं खुल सकते, तो अब हम लोग थोड़ा सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दे रहे हैं और सभी बच्चों को ये नोटिफाई कर रहे हैं कि अब आपको ऑनलाइन आकर के पढ़ाई करना है। और चूंकि टाइम कुछ निकल चुका है, 2-3 महीने ऑलमोस्ट निकल चुके हैं, तो हमारा सिलेबस अब रेगुलर टाइम में कम्प्लीट नहीं हो सकता, तो सिलेबस को थोड़ा सा कम किया जा रहा है। कितना कम किया जा रहा है तो याद रखिएगा, 30-40% सिलेबस आपका रिड्यूस किया जाएगा, कम किया जाएगा। अब ये जो रिड्यूस वाला सिलेबस है ये हमको कब मिलेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि NCERT वालों ने, CBSE वालों ने अपना रिड्यूस सिलेबस जून में ही डिक्लेयर कर दिया था या स्टार्टिंग जुलाई में डिक्लेयर कर दिया था, और उनकी स्टडी लगभग ठीक चल रही है रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से। हमारी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इससे संबंधित बहुत पीछे है, इससे रिलेट अगर हम करें तो हमारी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने बहुत लेट कर दिया है और अब जाकर के वो सिलेबस देने वाले हैं। तो जो रिड्यूस सिलेबस है वो आज की तारीख में, यानी 3 सितंबर 2020 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट cgbsc.nic.in पर वो अपलोड करेंगे 3 सितंबर को। आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 3 सितंबर को ही, तो आज ही शाम तक हो सकता है ये PDF के रूप में आपको ऑफिशियल वेबसाइट में अवेलेबल हो जाएंगे। तो वो रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से अब आपकी स्टडी आगे कंटिन्यू करवाई जाएंगी, ठीक बात। अब बोर्ड वालों ने क्या किया है कि हमारा जो भी रिड्यूस सिलेबस होगा उसके हिसाब से उसको पर सेक्शन में बांट दिया गया है, सेक्शन वाइज बोलने का मतलब ये है कि एक महीने में कितने टॉपिक आपको पढ़ाए जाने हैं, ताकि हमारा अप्रैल आते आते पूरा सिलेबस, जो रिड्यूस सिलेबस है, वो कवर हो जाए। तो हर महीने के हिसाब से आपको वो सिलेबस डिज़ाइन करके आपकी वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे महीने के हिसाब से। जैसे अब 30 सितंबर तक तो खुलना नहीं है कोई स्कूल वगैरह, तो सितंबर के महीने में कितना सिलेबस आपको पढ़ाना है उसका डिज़ाइन आपको मिल जाएगा कि मैथमेटिक्स में इतने चैप्टर या उस चैप्टर में से कुछ काट छांट के ये टॉपिक आपको सितंबर में कवर करना है, अक्टूबर में इतने टॉपिक कवर करने हैं, नवंबर में इतने टॉपिक कवर करने हैं, दिसंबर में इतने टॉपिक कवर करने हैं। तो मंथ वाइज, महीने के हिसाब से कितने कितने टॉपिक आपके कवर करवाने हैं, ये वाला शेड्यूल अभी वेबसाइट पर आ जाएगा और आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। ये तो हो गई शेड्यूल की बात। तो रिड्यूस सिलेबस का सिलसिला आपको समझ में आ गया कि क्या होना है और किस महीने में कितना पढ़ाई करना है, ये वो बता देंगे, ठीक बात। अगली चीज़, दूसरी निर्देश ये है कि उन्होंने बोला है कि क्लास टेंथ बोर्ड वाले और क्लास ट्वेल्थ बोर्ड वाले जितने बच्चे हैं उन बच्चों का एक ग्रुप बनाया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप। आपके क्लास टीचर बनाएंगे, आपके स्कूल वाले मेंबर बनाएंगे, जो भी क्लास टीचर आपको पढ़ाते होंगे रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट से रिलेटेड, हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर आपका ग्रुप बना सकते हैं या एक ही ग्रुप हो सकता है जिसमें हर सब्जेक्ट के टीचर जुड़ सकते हैं। अब व्हाट्सएप ग्रुप बना करके आपको वहाँ पर डाउट क्लियर करने की फैसिलिटी दी जाएगी, यानी टेंथ में पढ़ने वाला बच्चा या ट्वेल्थ में पढ़ने वाला बच्चा, उसको अगर कुछ डाउट आता है किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो अपने सब्जेक्ट टीचर को व्हाट्सएप में
मैसेज सेंड करके वो पूछ सकता है कि हमको इस टॉपिक पर ये डाउट है, और टीचर उसको व्हाट्सएप के थ्रू ही ये डाउट क्लियर करेंगे। ये भी हमारी गवर्नमेंट बहुत पीछे ये काम कर रही है, जबकि ये सारे काम जून में शुरू हो जाने चाहिए थे और हमारा सेशन जून से शुरू हो जाता तो सिलेबस को रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक बात। तो व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आपके डाउट सेशन रखे जाएंगे। तीसरी चीज़ कि अभी तक हमारे यहाँ 10th और 12th में पेपर कैसे होते थे, 100 मार्क्स के पेपर होते थे जिसमें थ्योरी पेपर आपका 75 मार्क्स का आता था और 25 मार्क्स आपको इंटरनल दिए जाते थे। इंटरनल मार्किंग किस बेसिस पर की जाती थी तो आप सब जानते हैं, आप सब पढ़ रहे हैं स्कूल में, तो आपके स्कूल में वाइवा से कुछ नंबर आपको दिए जाते थे, कुछ असाइनमेंट बना के नंबर दिए जाते थे, कुछ प्रोजेक्ट के तौर पर नंबर दिए जाते थे और कुछ प्रैक्टिकल करवा के आपको नंबर दिए जाते थे, कुछ एक्टिविटी के बेसिस पर। तो ये चार पांच चीज़ों को ध्यान में रख करके आपके जो 25 मार्क्स इंटरनल बनते थे वो मार्क्स डिसाइड किए जाते थे। अब ये सब सिस्टम गवर्नमेंट ने अभी ख़त्म कर दिया इस सेशन के लिए, और अब आपको क्या की जाएगी, अब बोर्ड की तरफ से वो अपने ऑफिशियल वेबसाइट में हर महीने के हिसाब से असाइनमेंट के क्वेश्चन अपलोड करेंगे और वही असाइनमेंट के क्वेश्चन पीडीएफ के रूप में आपके स्कूल को भेजा जाएगा बोर्ड की तरफ से, और स्कूल वाले आपके क्लास टीचर हों या आपके प्रिंसिपल हों वो आपको आपके बने हुए व्हाट्सएप ग्रुप में वो असाइनमेंट क्वेश्चन आपको देंगे और उस असाइनमेंट को आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। असाइनमेंट क्या है, वही क्वेश्चन जो आप लोग फेयर कॉपी में लिखते हैं अपने, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन बोर्ड की तरफ से आएंगे जो टीचर के थ्रू आपको मिलेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। उन क्वेश्चनों को कंप्लीट करके हर महीने की 15 तारीख को आपको अपने असाइनमेंट को अपने स्कूल में सबमिट करना है। जो रेस्पेक्टिव टीचर उस सब्जेक्ट को पढ़ाते होंगे वो वहाँ जा करके आपके असाइनमेंट को चेक करेंगे और उस पर बेस्ड चेक करने के बाद आपको मार्क्स देंगे, और ये सारे मार्क्स बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट में इंटरनल नंबर के हिसाब से दर्ज किए जाएंगे, अपलोड किए जाएंगे, और यही मार्क्स जो हम आपको प्रोजेक्ट के तौर पर, वाइवा के तौर पर, प्रैक्टिकल के तौर पर देते थे 25 मार्क्स, अब ये मार्क्स आपको असाइनमेंट के बेसिस पर दिए जाएंगे और ये मार्क्स सीधा बोर्ड में अपलोड किए जाएंगे, उनके ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड कर दिए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो इंटरनल मार्क्स आपको 25 नंबर मिल जाते थे प्रैक्टिकल में, वाइवा असाइनमेंट प्रोजेक्ट सब मिला के, वो अब सिर्फ आपको किससे मिलेंगे, असाइनमेंट से मिलेंगे। तो आपको असाइनमेंट बढ़िया तरीके से प्रॉपर ढंग से बना करके स्कूल में हर महीने 15 तारीख को सबमिट करने होंगे और टीचर उसको चेक करके आपको मार्क्स देंगे। तो इंटरनल मार्क्स अगर आपको अच्छा गेन करना है तो आपको अच्छा असाइनमेंट प्रस्तुत करना होगा, इस बात का ध्यान आप रखेंगे, ठीक है। और इसमें और बहुत सारे पॉइंट्स हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा सेशन वैसे ही बहुत पीछे हो गया है और अब बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, तो बोर्ड वालों ने आपके लिए एक व्यवस्था सोची है। व्यवस्था ये है कि वो अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, फिर से कह रहा हूँ, CGBSE का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर आपके सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो अभी रिड्यूस सिलेबस आने वाला है उस सिलेबस के हिसाब से आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवाए जाएंगे, हर सब्जेक्ट का, मैथ्स का, साइंस का, सोशल का, इंग्लिश का, हिंदी का, जो भी आपका सब्जेक्ट है, ट्वेल्थ वालों के लिए फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, बायो का, सबका इंडिविजुअल लेक्चर्स जो रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से भी बनेगा उसके हिसाब से वो डेली अपलोड करेंगे, और कौन सा लेक्चर, किस सब्जेक्ट का लेक्चर, किस दिन आएगा, कितने बजे आएगा, इस सब का टाइम टेबल बना करके वो 5 सितंबर को अपने ऑफिशियल वेबसाइट cgbse.nic.in पर अपलोड कर देंगे। तो 5 सितंबर को आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के टाइम टेबल डाउनलोड कर लीजिए और उस टाइम टेबल के हिसाब से उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से वीडियो लेक्चर्स देख करके आप अपने कोर्स को प्रिपेयर करिए। ठीक बात, यहाँ तक हो गया। अच्छा, इस कोर्स को जो यूट्यूब पर वो डालेंगे वीडियो लेक्चर बना करके, इसका लिंक वो अपने दूसरी वेबसाइट जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है आपका, क्या कहते हैं, cgschool.in, जिसमें अभी एक प्रोग्राम चल रहा था पढ़ाई तोहर द्वार, जो कि पूरी तरह से फेल हो गया है मेरे हिसाब से, उस पर भी उन वीडियो लेक्चर्स के लिंक आपको मिलेंगे। तो जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, स्कूल में तो जा ही नहीं सकते, तो वो वहाँ से उन लेक्चर्स को देख करके अपना प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक बात। तो आपको यूट्यूब लेक्चर्स भी दिए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से। फिर से वेबसाइट बता देता हूँ, www.cgschool.in पर आपको उसके लिंक मिलेंगे हर सब्जेक्ट के, टाइम टेबल आपको cgbse.nic.in पर मिल जाएंगे। ठीक बात, ठीक है। तो ये डेली हफ्ते भर की क्लास रहा करेगी, एक हफ्ते का शेड्यूल रहेगा, किस दिन किस सब्जेक्ट का कितने बजे लेक्चर आना है वो टाइम टेबल आपको 5 सितंबर को cgbse.nic.in पर मिल जाएगा, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं।
याद रखिए असाइनमेंट आपको विधिवत तरीके से बना करके सबमिट करना है, क्योंकि उसी के बेसिस पर आपको इंटरनल मार्क्स दिए जाएंगे। तो हर बच्चे को ये जानकारी होनी चाहिए कि इससे आपका मूल्यांकन होना है, इंटरनल मार्क्स डिसाइड होने हैं, तो आपको अच्छे से अच्छा असाइनमेंट का आंसर कोट करके बढ़िया सुंदर ढंग से उसको सबमिट करना है। ठीक बात। तो 2020 और 2021 का सेशन लगभग ऐसे ही जाने वाला है, तो आप थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाइए, थोड़ा सा जाग जाइए। गवर्नमेंट थोड़ा देर से जागी है, आपको तो पहले जाग जाना चाहिए था। ठीक है, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ मुझे शेयर करनी थी। तो 5 सितंबर को आपको टाइम टेबल मिल जाएगा, और आज 3 सितंबर को आपको वेबसाइट पर आप जाएंगे, विजिट करेंगे, तो आपको सिलेबस मिल जाएगा कि किस सब्जेक्ट का कितना कितना सिलेबस काटा गया है, छाटा गया है, कितना रखा गया है, कितना आपको इस साल पढ़ना है। तो अगर सिलेबस आता है तो मैं भी कोशिश करूँगा कि मैथ्स का, साइंस का, या जो 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 सब्जेक्ट मुझसे हो सकता है उनका मैं यहाँ पर आपको एनालिसिस करके बता दूँगा कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है। हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी आपके क्लास 9th और क्लास 10th के मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट अपलोड हो रहे हैं, तो उसमें भी आप लोग इनरोल होइए। वो कोर्स इस साल थोड़ा सा पैड रखा गया है, बहुत मिनिमम कॉस्ट के साथ वो कोर्सेज हैं, तो अगर आपने अभी तक उसको ज्वाइन नहीं किया है तो उसमें ज्वाइन हो जाइए। क्लास 12th के बच्चे भी फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ये CG बोर्ड वालों के लिए इन्फॉर्मेशन है, अगर आप अभी तक इनरोल नहीं हुए हैं तो इनरोल हो जाइए हमारे कोर्सेज में। क्लास 9th के मैथमेटिक्स, क्लास 10th के मैथमेटिक्स बढ़िया डिटेल के साथ आपको मिलेगा, और आराम से इसको आप बनाइए, आपके पास बहुत टाइम है। मेरे ख्याल से सिलेबस को रिड्यूस करना कोई आवश्यक नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारा सिलेबस पहले से ही बहुत कम है, अब उसमें और काट छाट कर दोगे 20-40%, 30-40%, तो उसमें पढ़ने पढ़ाने लायक रहेगा क्या? आपको नहीं मालूम, आप अभी नए नए आए हो 10th में, 12th में, आपसे पहले जो बच्चे पढ़ते थे आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, तो उस समय मोटी मोटी बुक लगती थी युगबोध पब्लिकेशन की, और उस समय भी बच्चे उसको कवर करते थे, टीचर उसको कवर करवाते थे। अब तो उसको काट छाट के आधे का आधा कर दिए हैं, 25% सिलेबस तो पहले से है पुराने सिलेबस का, अब उसमें भी 40% आप रिड्यूस कर देंगे तो आप पढ़ेंगे क्या, पढ़ाने के लायक बचेगा क्या? अल्टीमेटली गवर्नमेंट क्या चाह रही है, आपके फ्यूचर के साथ क्या करना चाह रही है, वो गवर्नमेंट जाने, आप सब समझदार हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको पूरा बुक पढ़ना चाहिए पूरा, क्योंकि छोड़ने लायक कुछ भी नहीं है। याद रखिए पहले से ऑलरेडी ये छठे छठाए कोर्स आपको मिल रहे हैं अभी पढ़ने के लिए, तो इसको आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप पूरा पूरा पढ़ें, सारे एग्जांपल, सारे ट्राई दिस के क्वेश्चन, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन पूरा लगाइए। बहुत टाइम है अभी हमारे पास, 7 महीने हैं, 7 महीने में 7 बार आपका कोर्स हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। तो हमारे पास सफिशियंट टाइम है, आप प्रॉपर तरीके से रिविजन कर सकते हैं पूरा बुक पढ़ करके। हाँ, एग्ज़ाम में आपका कटा छटाया आएगा तो एग्ज़ाम के लिए आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन नॉलेज के लिए आपको पूरा पढ़ना चाहिए। तो अगर आपने हमारे कोर्स में इनरोलमेंट अभी तक नहीं लिया है तो ज्वाइन हो जाइए, बहुत मज़ा आएगा। अगर आपकी डिमांड होगी तो हम आपको साइंस भी प्रोवाइड करवाएंगे, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारी चीज़ें एज इट इज़ हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, तो ज्वाइन हो जाइए। डिस्क्रिप्शन में हमारा आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस नंबर के थ्रू आप व्हाट्सएप करिए, कोर्स में इनरोल होइए, बहुत मिनिमम सब फीस है, इनरोल हो जाइए, बहुत मज़ा आएगा।